हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक। आज मैं कुछ एक नई वैकेंसी के साथ डिस्कशन में आया हूँ। आज की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकता है हर 12th पास स्टूडेंट। तो ये वीडियो जरूर शेयर करिए उन सब बच्चों के साथ जो 12वीं पास है, यानी 12th पास जो है वो भी दे पाएंगे। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारे बच्चे इस एग्जाम को दे पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी लोग इस पेपर को कैसे दे पाएंगे, ये देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्टूडेंट्स। तो अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पोस्ट निकली हुई है, वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन। बच्चों, इसके लिए स्टेनोग्राफर का जो कीपैड होता है वो अपने क्वेटी कीपैड जैसा नहीं होता। ये जो आपको दिख रहा है ये स्टेनोग्राफर का कीपैड होता है। आई होप आप लोगों ने कभी देखा होगा। ना देखा होगा तो जब एग्जाम देने को बैठ रहे हो तो कोई इशू नहीं। जब एग्जाम होने के बाद आपके रिजल्ट आने तक ऑलमोस्ट शायद 8-10 महीने का टाइम है, तब तक भी आप इसको स्टेनोग्राफर की क्लासेस ज्वाइन करके ये आप कीबोर्ड पे अपना हाथ साफ कर सकते हो और इसको सीख सकते हो। ठीक है, मैं आगे और बात इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो बच्चों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो रिवाइज वैकेंसीज है ग्रेड सी की 81 वैकेंसीज है और ग्रेड डी की 1145 वैकेंसीज है, विच इज अ बिग नंबर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं इसकी सैलरी क्या होगी। एक 12वीं पास वाला बच्चा भी अपनी लाइफ को सेट कर सकता है। स्टार्टिंग सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी ग्रेड सी की जो है, ग्रेड सी की सैलरी 35,400 के आसपास शुरुआत से शुरू होगी और ग्रेड डी की 25,500 से शुरुआत होगी। ये स्टार्टिंग सैलरी होगी। इसके बाद हर साल सैलरी तो बढ़ते जाएंगे, TDA बढ़ते जाएगा, 8th पे, 9th पे, जैसे जैसे आते जाएंगे आपकी सैलरीज डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एज लिमिट्स की। तो यस, एज लिमिट है ओपन कैटेगरी के लिए 18 साल से 30 साल के बीच में। अगर आप, ये हो गई स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, अगर आप ग्रेड डी में आते हो तो 18 से 27 साल तक की है, ये ओपन कैटेगरी के लिए हो गई। आप अगर अदर बैकफुट क्लासेस यानी OBC में आते हो तो इसमें +3 ईयर्स का एक्सटेंशन होगा, यानी 30+3 दैट इज 33 ईयर्स होगा। अगर आप लोग SC ST PWBDs में आते हो तो +5 ईयर्स का एक्सटेंशन मिलेगा, यानी आपकी मैक्सिमम एज 35 साल तक होगी। सो अगर कोई भी इसको प्रिपेयर करना चाहता है सो इट इज़ वेरी इजी एग्जाम। मैं आपको इसमें इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगता है। सो जैसे मैंने कहा, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th एग्जाम और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 17/8/2024। 17/8/2024 के पहले अगर आप डिप्लोमा हो, आप 12th हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों ने ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, मात्र ₹100 जाएंगे, पर एग्जाम जरूर दे के आइएगा क्योंकि आपको एक नया आइडिया आता है और एक नए स्केल में आप लोग पदार्पण करेंगे। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम कैसे होने वाली है। ठीक है, सो ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाली है बच्चों, जिसमें सिर्फ आने वाला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। 50 क्वेश्चन 50 मार्क, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चन 100 मार्क। ये इतना बेसिक होता है बच्चों, ये कोई भी सॉल्व कर सकता है। अगर आप सोचिए 12वीं पास का बच्चा इसको एलिजिबल है, मतलब एग्जाम कितनी आसान हो सकती है। डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस जो है वो आपको अपडेट करना है, उसके लिए आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब रखिए, इसमें भी सारे अपडेट्स आते रहते हैं। इसके अलावा इसके कुछ एक पैकेज कोर्स भी है, वो भी हम लोग आपको सेल आउट करेंगे। आप अगर चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, नहीं इंटरेस्टेड हो, आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप भी BA सकते हो। ओके, सो मैं आगे बताता हूं। एक चीज और करने वाले हम लोग, अगर हो सके तो हम इसका एक पैक कोर्स आप लोगों को एक YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने वाले हैं। सो उसकी भी चीजों के बारे में एक वीडियो बनेगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब रखिए, सो दैट आपको आने वाली चीजें भी अपडेट पता चलते रहे। मैं आगे बोलता हूं बच्चों, अब सुनिए स्किल टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी क्या होने वाली है। इसमें द कैंडिडेट हुआ शॉर्टलिस्टेड, मतलब जो भी हमने एग्जाम दिए उस एग्जाम में जिन बच्चों ने पास किया हुआ है उन लोगों के लिए क्या होगा, एक 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। इस 10 मिनट के डिक्टेशन में बच्चों को इंग्लिश या हिंदी दो में होगा, उसमें उनको टाइप करना है। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो पोस्ट है उसके लिए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड एक्सपेक्टेड है
और ग्रुप डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड एक्सपेक्टेड है. ओके, द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्रिप्ट ऑन कंप्यूटर. ये सब चीजें जो आप टाइप करोगे वो कंप्यूटर पे आने वाली है. ओके, अब स्किल टेस्ट जो होगी वो कैसे होगी? जैसे मैंने कहा, ग्रेड सी की इंग्लिश के लिए 40 मिनट की होगी और हिंदी के लिए 55 मिनट की टेस्ट होगी. जो हम लोग डिक्टेट किया जाएगा वो आपको टाइप करना है. तो फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड डी इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स की होगी, तो हिंदी के लिए 65 मिनट्स की स्किल टेस्ट होने वाली है. ओके, आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स. अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो ये फॉर्म 26 जुलाई से शुरू हो चुका है जो 17 अगस्त तक चलने वाला है. लास्ट डेट इसकी 17 अगस्त होगी. इसके बाद आप लोग जैसे देख सकते हो इसके इसमें ना चेंजेस करने का भी टाइम होगा जो 18 तारीख तक होगा. मैं उसको आने वाले टाइम में बताने वाला हूं. ओके, अब ये जो है देखो जो एग्जाम शेड्यूल होने वाली है वो अक्टूबर नवंबर में होगी. बट ये एसएससी है, ये एग्जाम हमेशा अक्सर डिले होती है. सो डोंट वरी, आप इसके लिए अगर फॉर्म भरते भी हो तो जैसे कहा न्यू एक्सपीरियंस के लिए 100 रुपए का फॉर्म फिल कर दीजिएगा. ये एक्सटेंड होते रहेगा, बाकी हम लोग तो आपको पढ़ाना जो है वो पढ़ा ही देंगे. ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पे फोन करिएगा. उठाएंगे क्या, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पता नहीं उठाएंगे भी कि नहीं. ओके, सो अभी हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई. ओके, अब अप्लाई अगर इस आप चाहते हो इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए तो सर कहां सर्च करें, क्या सर्च करें, मैं आपको डिटेल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल फॉर्म फिल प्रोसीजर बताने वाला हूं. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे सिंपल एसएससी टाइप करना है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आपका एक सिंपल सा ये एक लिंक दिखेगा. वंस यू क्लिक द लिंक आपके सामने ये कुछ एक फॉर्म फिलअप ओपन होगा. वहां पे आप लोगों को देखो नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन. ठीक है, नोटिस ये देखिए, ये एक है और यहां पे क्विक लिंक दी हुई है अप्लाई. सो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द अप्लाई. जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो आपको दिखेगा ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन जो अभी आउट हो गई है, ये जो अभी तक लास्ट डेट तक ये डिस्प्ले होते जाएगा. वैसे कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन का भी एक है, हम लोग सी एन डी के लिए करेंगे. सो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. वंस यू क्लिक हियर अप्लाई करेंगे सो कुछ ये ऐसा फॉर्म ओपन होगा. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चीजें ध्यान रखिएगा. अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो उसकी पूरी प्रोसीजर अलग है. आप एसएससी के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर अलग है. सो इसको स्किप मत करिएगा. आपको यहाँ पे लॉग इन और रजिस्टर करना है. अब लॉगिन और रजिस्टर कर आपको यहां पे क्लिक करना है. अगर आप ऑलरेडी कौन सा दूसरा फॉर्म भर चुके हो लाइक सीजीएल सीएचएसएल तो आपको इसको वापस करने की जरूरत नहीं है. इसी में वो भी फॉर्म होगा. मैंने जैसे कहा इसमें नया कुछ है. मैं समझता हूं कि आप लोग एकदम न्यू हो, आपने कभी एसएससी का फॉर्म फिल नहीं किया है. यू जस्ट नीड टू लॉग इन और रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे. जैसे आप क्लिक करोगे सबसे पहले आपको ये मैसेज आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट के लिए, जिसमें आपसे पर्सनल डिटेल्स पासवर्ड क्रिएशन होने वाला है, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन होने वाला है. उसके लिए क्या करेंगे, आप कुछ मत करो, इसको कंटिन्यू करो. आप इसे कंटिन्यू करेंगे उसके बाद वो आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगेगा. ध्यान से सुनना, डू यू हैव एन आधार कार्ड? यस वी हैव. आप उस पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद नाम डालोगे एज पर आपके जो भी साइट पे नाम होगा वो आइडेंटिफिकेशन नंबर डालोगे और ये नाम डालोगे. हैव यू एवर चेंज योर नेम? अगर होगा तो यस करिए, नहीं है तो उसको नो रखिएगा. ओके, ये करने के बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम एंड मदर्स नेम ये आप ऐड करोगे. ये डेटा आपका ऑलरेडी सेव हो जाएगा हमेशा के लिए. मैट्रिकुलेट 10th एजुकेशन बोर्ड. एजुकेशन बोर्ड क्या था वो आपके मार्कशीट पे लिखा रहता है, वो आप यहां पे सिलेक्ट करोगे. उसके बाद उस पर रोल नंबर लिखा रहता है 10th वाले मार्कशीट पे, वो आप यहां पे फिल करोगे. ये 10th के लिए हो गया. ओके, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या थी आपके 10th की, वो आप यहां पे पुट करोगे. हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी क्या है, आपने इसके अलावा कौन सा हायर एजुकेशन और किया होगा, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह किया होगा तो आप उसको मेंशन कर सकते हो. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहां पे ऐड करोगे. ठीक है, आप ये ऐड करने के बाद जो मोबाइल नंबर आप डालोगे वो वेरीफाई होगा कि आप ही का है क्या, उसी के लिए वो उस पर ओटीपी सेंड करेगा. जब ओटीपी आप इस पर एंटर करोगे वहां पे लिख के आएगा वैलिडेट. सिमिलरली आपकी मेल आईडी पे भी होगा, मेल आईडी पे भी ओटीपी आएगा. जो आप पुट करोगे प्रॉपरली आप वैलिडेट करोगे इसको 7 नेक्स्ट होने के बाद ऐसा मैसेज आएगा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली. ये आपका एसएससी के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया. ओके होगा, ये होते बराबर. ये आपका पूरा का पूरा होम पेज दिखा रहा है. ओके, जब भी आप लॉग इन करोगे आपको ये सब चीजें दिखाएंगे, जिसमें आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर,
पापा का नाम आपकी आईडी, मम्मा का माँ का नाम एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब लिखा रहेगा। अब जब भी कोई रिजल्ट डिस्प्ले होगा तो इस ब्लॉक पे आएगा। अगर आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका एडमिट कार्ड होगा वो आपको यहां दिखेगा, जैसे लिखा है एडमिट कार्ड इज नॉट अवेलेबल, अगर आएगा तो यहां दिखेगा। ठीक है, अब आगे भी देखिए, ये देखो यहां पे दिख रहा है, मैं इसको अगले वाली स्क्रीन पे दिखाता हूं अच्छे से। ये देखो कंबाइंड फाइंड, अभी देखो दो एग्जाम्स है एसएससी की जो शुरू थी, अभी लाइव है, एक हिंदी ट्रांसलेटर है और एक स्टेनोग्राफर। हमें कौन सा बनना है? स्टेनोग्राफर। हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई करिए बराबर, हम आएंगे। ये कुछ नोटिस है, सिंपल फोटोग्राफ, एक बार इससे गो थ्रू हो जाइएगा। जब भी आप इसको फॉर्म फिल करेंगे इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। ये होते बार आप स्टार्ट करोगे फिल फॉर्म, आप यहां पे क्लिक करोगे एंड यू विल स्टार्ट टू फिल द फॉर्म। ये जो आपको स्टार दिख रहा है ये वो डेटा है जो ऑलरेडी फिल मिलेगा आपको, क्योंकि आपने पहले ही भर के रखा है, सो वो डेटा ऑलरेडी आएगा। अगर कोई चेंजेस होंगे, जो डेटा बचा हुआ है वो आपको भरना है। ठीक है, देखो कैसे। अब जैसे मेल ओबीसी कैटेगरी आप ये सब भरोगे, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैट्रिकुलेशन नंबर, परमानेंट एड्रेस ये आपने पहले डाला था वो पहले से आएगा, ये सब एडिड होगा। अगर कुछ बचता है तो आप फिल कर लीजिएगा, पिन कोड एंड एवरीथिंग, ये नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट होते बराबर फिर से मैसेज आएगा सक्सेसफुल। ओके, ये होते बराबर नाउ आप एंटर कर रहे हो नेक्स्ट में, एजुकेशन डिटेल्स में यहां ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो आप यहां पे क्लिक करोगे, डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमारे स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफाइंग क्या है? 12th, मतलब वो आपको 12th मांग रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे 12th कनेक्ट क्लिक करोगे। अगर आपने 12th यहां पे क्लिक किया तो EQ स्टेटस आपका कुछ नहीं आएगा। अगर आपने 12th नहीं किया है और एग्जाम्पल 10th के बाद आपने पॉलिटेक्निक किया है तो EQ stands for equivalent status, यानी इसके अलावा आपने क्या किया है, तो उसमें आप इस पे क्लिक करके डिप्लोमा या फिर जो भी किया है वो आप यहां पे क्लिक करेंगे। वो कौन से ईयर पास किया, स्टेट कौन सी थी, बोर्ड कौन सी थी, वो सब चीजें बेसिक है, वो आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, ये फॉर्म फिल होने के बाद वापस वही है, रोल नंबर क्या था, परसेंटेज कितने थे, अगर CGPA होगा 12th में, वैसे CGPA तो नहीं आता, पर अगर आपकी इसमें कहीं है तो आप CGPA यहां पे पुट कर सकते हो, जैसे के वैसे पुट करते बराबर सक्सेस का मैसेज आएगा, सक्सेसफुल मैसेज हो गया। आगे बढ़ेंगे, हाँ ये मैंने लिखा हुआ है ध्यान से रखिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला अब अगर एक्स सर्विस मैन है तो आप यस करिए, विदर सीकिंग फॉर एज रिलैक्सेशन, जैसे अगर आप OBC में हो, SC ST NT और PWBDs में हो तो आप यहां पे एज सीकिंग एज रिलैक्सेशन के लिए यस करोगे, इफ यस तो एज रिलैक्सेशन कोड, इसके कोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन 12 नंबर 5.2, आप इस पर क्लिक करिए आपको मिल जाएगा, वो आप यहाँ पुट करेंगे। जैसे मैंने बताया था 18 से 30 था, डी के लिए 18 से 27 था, ओबीसी के लिए +3 और SC ST PWBDs के लिए इसमें 5+5 years होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर से वो पुट करते सक्सेसफुल मैसेज आएगा, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों प्रिफरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स, यानी आप एग्जाम कहां से देना चाहोगे, प्लीज यहां ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर आपने गलती से केरला डाल दिया, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो केरला जाना पड़ेगा, उन वैसे वर्षा, तो आप जहां के हो होम टाउन हो प्रॉपरली सिलेक्ट करिएगा, गलती की गुंजाइश नहीं है, तो थोड़ा शांत दिमाग से फॉर्म फिल करिए, फिर भी प्रॉब्लम है तो BSE आ जाइए, हम ही फॉर्म फिल करके दे देंगे। ठीक है, डू यू पजेस दिस नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, अब आपका पेपर होने को टाइम है। अगर आप उसके बीच में कहीं से ऑनलाइन स्टेनोग्राफी की क्लासेस कर सकते हो, टाइपिंग सीख सकते हो, तो यस लिख देना, नहीं है नहीं करना चाहते तो नो लिखो, पर आई सजेस्ट कि आप क्लासेस लगा लो अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो, और यस लिख लीजिएगा। मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट मतलब क्या, स्टेनोग्राफर को जो भी इसमें सिलेक्ट होने वाला है उसे इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए, बट एट द टाइम ऑफ पेपर आप कोई भी एक में महारत हासिल करते हो या आपको आता है तो चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा या तो हिंदी भी चलेगा। वेरीफाई मीडियम स्किल टेस्ट, जो भी आपने इंग्लिश किया तो यहाँ पे इंग्लिश वापस आएगा, हिंदी किया तो हिंदी आएगा। पोस्ट अप्लाइंग फॉर, अभी पोस्ट कौन सी होगी, आप ग्रेड सी करे के लिए कर रहे हो, ग्रेड डी के लिए कर रहे हो, या आप दोनों के लिए कर रहे हो, इसमें से ऑप्शन आएंगे, आपको चेक करना है, मेरे हिसाब से बोथ ही आपने करना चाहिए। वेरीफाई पोस्ट फिर से वही होगा, नेक्स्ट फिर से सक्सेस का मैसेज आएगा। अब हमें फोटो अपलोड करना है, फोटो बैंकिंग एग्जाम्स में एक हमें सिंपल अपनी फोटो अपलोड करनी पड़ती है, अब हम लोग वो फोटो अपलोड नहीं करेंगे, यहां पे स्कैन से ही फोटो होगी। सबसे पहले होगा कैप्चर लाइव फोटो। ओके,
सो कैप्चर लाइव फोटो में आपका अगर कैमरा है तो वो खुद फोटो ले लेगा, नहीं है तो आपको ये स्कैन करना है अपने मोबाइल से। जब आप इसे स्कैन करोगे तो ऐसी एक लिंक आएगी आपके फोन पे, जब आप इसको क्लिक करोगे इस लिंक को तो एक स्विच होगा वो, और गूगल प्ले पे माय एसएससी पे आपको जाने को मौका मिलेगा। माय एसएससी पे जाके ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। आप इसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल किए बराबर जो यूजर नेम और पासवर्ड आप लोगों के फोन पे आ चुका रहेगा जब अपन स्टार्टिंग में भरते हैं, वो आपको यहां फिल करना है। आप यहां पे कैप्चा डालोगे, वो डालते हुए आपके सामने आएगा। अब स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए हमने देखो फोटो नहीं रखी है, अभी वही कैप्चर करनी है। आप इस पर क्लिक करोगे, जब आप इस पर क्लिक करोगे आपको बताएगा कि फोटो कैसी लानी है। मास्क नहीं चाहिए, चश्मा नहीं चाहिए, ठीक है, लाइट प्रॉपर आना चाहिए, ऐसे करके फोटो लीजिएगा, ठीक है। ये होते बराबर ये गाइडलाइंस आती है कि प्रॉपर लाइट रखिए, बैकग्राउंड प्लेन रखिए वगैरह, ये आप एक्सेप्ट करेंगे और इसको फॉलो भी करेंगे। फिर आप एक फोटो, आप जो भी आप फोटो लोगे यहाँ पे फोटो आएगी, यह मैंने रखी नहीं है, यहाँ पे फोटो आती है और ऐसे लिख के आता है, ये लिखा हुआ मिलेगा फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। ये आने के बाद आप अपलोड कर सकते हो, आपने जैसे ही अपलोड किया ये लिख के आएगा फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली कंटिन्यू इन द वेबसाइट। अब आप वेबसाइट पे जाके आपके जैसे आपका अगर आप कोई लैपटॉप पे दे रहे हो तो वेबसाइट में वो फोटो आ जाएगी और आप वहां से फॉर्म आगे फिलअप करना शुरू करोगे। उसके अलावा आपके मोबाइल पे भी यहाँ पे फोटो अपलोडेड दिखेगी आपको, यहाँ पे आपकी आपको फोटो दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे फिर से साइट पे, कंप्यूटर पे, यहाँ पे सक्सेस मैसेज आएगा। ये आते बराबर ये पर्सनल डिटेल्स है, ये पर्सनल डिटेल्स आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती है तो वो एक विंडो खोलता है एक आध दिन की, जिसमें आपको इसको एडिट कर सकते हो, बट उसके लिए चार्जेस लगते हैं फिर, ठीक है। तो उससे अच्छा आप इसको सही से एक बार चेक कर लेंगे, सिग्नेचर आ जाएगी, यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगी, ये दोनों भी सही से देख लेंगे हम लोग। फिर डिक्लेरेशन होगा, यहाँ पे आई एग्री करेंगे, कैप्चा फीड करेंगे, फीड करते बराबर फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कॉन्टेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। अब ये होता बराबर आप मेक पेमेंट करेंगे, ओके। ये मेक पेमेंट पे आपने क्लिक किया, ऐसा पे का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे करोगे और ये आपके सामने खुल गया नेट बैंकिंग, UPI, कार्ड पेमेंट्स एंड एवरीथिंग। आप ऐसे करके इसको पे करेंगे और आपका पूरी तरीके से फॉर्म फिलअप हो गया। आई होप आपको ये वीडियो डिटेल इन्फॉर्मेशन दे पाया, जिसमें फॉर्म कैसे फिल करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, पोस्ट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर पाया। इसमें और भी कुछ डाउट्स है, और भी कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करिए, जिससे मैं आपको उसके लिए भी कुछ एक हेल्प कर पाऊँ, ओके। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ ऐसे ही बच्चों को भेजिए जिनके लाइफ में इसके वजह से कुछ शायद चेंजेस आ जाए और उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने में मदद हो जाए, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।